हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एम फॉर पीआरटी एंड टीजीटी। और केवीएस और सुपर टेट की पेडागॉजी तैयार कर रहे थे, उसमें इंक्लूसिव एजुकेशन जो टॉपिक है वो हमने उठाया हुआ था, तो मीनिंग एंड स्कोप हो गया था इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा का। अब जो उसके अंदर जो भी बच्चे आ रहे थे जो स्पेशल चाइल्ड थे उनके बारे में पढ़ना है, क्योंकि जो क्वेश्चन है वो स्पेशल चाइल्ड यानी कि विशिष्ट बालक से बहुत सारे निकल के आते हैं। तो कई प्रकार के विशिष्ट बालक या विशिष्ट बच्चों के बारे में पढ़ा था, अब उनके बारे में थोड़ी सी डिटेल पढ़ेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रतिभाशाली बालक। तो प्रतिभाशाली बालक कौन होते हैं यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड कौन होते हैं, मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में पढ़ाने का प्रयास करूंगी ताकि इंग्लिश मीडियम के बच्चों को भी अच्छे से समझ में आ जाए और हिंदी मीडियम के बच्चों को भी समझ में आ जाए, ठीक है। तो प्रतिभाशाली बालक यानी कि गिफ्टेड चाइल्ड कौन होते हैं, जो सामान्य से अधिक बुद्धिमान होते हैं, यानी जो सामान्य बच्चे होते हैं या जो होशियार बच्चे होते हैं उनसे भी कहीं ज़्यादा होशियार होते हैं या जिनका IQ लेवल काफ़ी ज़्यादा हाई होता है। यहाँ पर कोई एक स्पेसिफिक IQ लेवल नहीं बताया जा सकता है, क्योंकि अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने भी प्रतिभाशाली बालकों के लिए अलग अलग IQ लेवल को बताया। जैसे कुछ बताते हैं कि जिनका IQ लेवल 130 से अबव है वो प्रतिभाशाली होते हैं, कुछ ने 120 के अबव बताया, कुछ ने 140 IQ के जो अबव होते हैं उन्हें प्रतिभाशाली बताया। तो अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अलग अलग बताया है, इस वजह से कोई एक पर्टिकुलर IQ लेवल को नहीं कह सकते कि हाँ केवल यही IQ लेवल है जिसके बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। सबने अपने अपने अकॉर्डिंग अपने अपने रीजंस दिए हैं। इसके अलावा जो प्रतिभाशाली बालक है वो समस्यात्मक भी हो सकते हैं, इस पॉइंट को भी याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब ये प्रतिभाशाली बालक यानी कि जो बहुत होशियार हैं वो समस्यात्मक क्यों होंगे, क्यों उन्हें प्रॉब्लम होगी, यानी प्रॉब्लमेटिक चाइल्ड क्यों होंगे वो, उसका रीज़न है। जैसे कि एवरेज बच्चे होते हैं, सामान्य बच्चे हैं, मान लो क्लास में एक पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसमें कोई एक बच्चा बहुत होशियार है, बहुत ज़्यादा प्रतिभाशाली है, ठीक। अब आपने दिया कोई भी एक बहुत ही साधारण सा क्वेश्चन दिया या साधारण सी चीज़ें पढ़ा रहे हैं, तो वो क्या होगा, बोरियत फील करने लग जाएगा, क्योंकि उसको बहुत आसान लग रहा होगा। कोई भी मैथ का क्वेश्चन है वो चाहेगा कि उसको और कठिन से कठिन दो, तो वो बोरियत फील करेगा, तो उसका दिमाग इधर उधर लगा रहेगा, वो मतलब कुछ भी ऐसे शरारत टाइप की करेगा या कुछ ऐसा क्रिएटिव करने का मतलब प्रयास करेगा, ब्लैक बोर्ड में डिज़ाइन ही बना रहा है या कुछ भी, मतलब इस तरह की उसको प्रॉब्लम होगी कुल मिला करके, और उसके ज़रिए दूसरों को भी प्रॉब्लम होगी। जैसे कि अगर आपको छोटे बच्चों की भीड़ में बैठा दिया जाए आपको कुछ समय तक, तो आप ओके रहेंगे, छोटे बच्चों का काम आपके लिए बाएं हाथ का खेल है, फिर आप एक समय के बाद बोर महसूस करना शुरू कर देंगे, क्योंकि जो छोटे बच्चे हैं जिनके लिए 10 में 10 जोड़ना 20 होता है, ये थोड़ा सा एक टिपिकल चीज़ें हैं, आपके लिए बहुत आसान है, 10 में 10 जोड़ो 20 हो गया, 20 में 20 जोड़ो 40 हो गया, तो आप थोड़े समय बाद उगने लग जाएंगे, तो आपको समस्या होगी और लोगों को भी आपसे समस्या होने लगेगी। तो इस प्रकार से जो प्रतिभाशाली बालक है वो समस्यात्मक भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि सभी हों, ठीक है, लेकिन अधिकतर हो सकते हैं, ठीक है, समस्यात्मक भी, यहाँ पर भी वर्ड लगा है, समस्यात्मक भी हो सकते हैं। अब आ जाती है आइडेंटिफिकेशन यानी कि पहचान कैसे करेंगे किसी प्रतिभाशाली या गिफ्टेड बच्चे की, ठीक है, कि ये गिफ्टेड चाइल्ड है या प्रतिभाशाली बालक है, कैसे पहचानेंगे। तो बहुत सारे तरीके हैं पहचानने के, जिनमें से कुछ मैं यहाँ पर जो कॉमन तरीके हैं उनके बारे में बता रही हूँ। उनकी बुद्धि लब्धि यानी IQ लेवल जो होगा वो जाहिर सी बात है हाई होगा, जो बच्चा 20 IQ लेवल के नीचे है जाहिर सी बात है वो प्रतिभाशाली में नहीं आएगा, ठीक, तो हाई IQ लेवल होगा उनका। इसके अलावा उच्च सृजनात्मकता भी हो सकती है उनमें, जैसे कई प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं जो क्रिएटिव भी बहुत होते हैं, यानी कि पढ़ाई में तो अच्छे हैं ही हैं पर जो अदर क्रिएटिविटी की चीज़ें, जो सृजनात्मक किसी चीज़ का, नए चीज़ों का सृजन करना, तो इस क्रिएटिविटी में भी बहुत आगे होते हैं। इसके अलावा उच्च उपलब्धि यानी कि क्लास में जैसे कि फर्स्ट आना या किसी कॉम्पिटिशन में टॉप करना, मतलब इस तरह की जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं, गोल्ड मेडल लाना, किसी प्ले में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो उसमें ट्रॉफी जीतना, इस टाइप जो उपलब्धियां हैं, उपलब्धियों में वो बहुत ज़्यादा आगे रहते हैं, ठीक। इसके अलावा शिक्षक हो गए, माता पिता हैं, परिवार है, मित्र है, इन सब के द्वारा भी आप जान सकते हैं कि कौन सा बालक प्रतिभाशाली है, क्योंकि जब क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ रहे होते हैं तो टीचर को पता होता है कि कौन सा बालक होशियार है बहुत ज़्यादा पढ़ने में,
किस बालक का किस में ज़्यादा इंटरेस्ट है, ठीक है। तो टीचर एक बालक के बारे में बहुत अच्छे से बता सकता है, क्योंकि वो क्लास में पढ़ा रहा होता है, होमवर्क चेक करता है, क्लास वर्क देखता है, क्लास की परफॉर्मेंस देखता है, आपका जो रिज़ल्ट है वो बनाता है, वो देखता है, आपके अचीवमेंट्स देखता है, तो उसको पता होता है। इसके अलावा परिवार को पता होता है कि हमारे परिवार का कौन सा बच्चा या कोई बच्चा प्रतिभाशाली है, तो परिवार को ज़ाहिर सी बात है पता होगा कि बहुत ज़्यादा पढ़ने में होशियार है। माता पिता को ऑफकोर्स पता होगा, जो साथी संगाती हैं या मित्र हैं, तो ज़ाहिर सी बात है आपके मित्रों को पता होता है कि आप कितने ज़्यादा पानी में, कहने का मतलब आप कितने होशियार हैं, ये बात आपके मित्रों को भी पता होती है जब आप उनकी सोसाइटी में रहते हैं। तो ये कुछ तरीके होते हैं जिनसे प्रतिभाशाली बच्चों की या गिफ्टेड चाइल्ड्स की पहचान कर सकते, गिफ्टेड चिल्ड्रन की पहचान कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गिफ्टेड चाइल्ड, यानी कि जो प्रतिभाशाली बालक हैं उनकी क्या विशेषताएं होती हैं, क्या खूबियां होती हैं, क्या विशेष होता है उनमें, ठीक। तो सबसे पहले अनुकूलन की क्षमता, यानी कि कैरेक्टर या कैपेसिटी ऑफ एडेप्शन, ठीक है। किसी भी चीज़ को अडेप्ट करने की, उसमें अनुकूल हो जाने की, उस चीज़ के, उस एनवायरनमेंट के, ठीक है, उस माहौल के, उस वातावरण के अनुकूल हो जाने की क्षमता उनमें बहुत अच्छी होती। फिर है अमूर्त चिंतन, ठीक है, यानी कि जैसे सपोज़ करो आप कुछ क्लास में पढ़ा रहे हैं, ठीक है, और कोई क्वेश्चन है या कोई न्यूमेरिकल है, बताया आपने क्लास में ये फॉर्मूला लगाना है, फिर इसके बाद ऐसा, फिर इसके बाद ऐसा, और इस तरीके से करके, इस तरह से डिवाइड करके ऐसे ही आंसर आ जाएगा, आपने इस तरीके से समझाया, तो जो सामान्य बच्चे उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है कि कैसे क्या करें, लेकिन जो इस तरह के बहुत प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, वो अमूर्त चिंतन, यानी आप बताते जा रहे हो और वो माइंड में ही लगाते जा रहे हैं कि ऐसा ऐसा ये फॉर्मूला लगेगा और इस तरीके से करके ये आंसर आ जाएगा। कहने का मतलब जो मूर्त नहीं है, जो सामने नहीं है, अमूर्त चीज़ों पर भी वो चिंतन कर सकते हैं। इसके अलावा होता है जैसे कि जो अधिगम स्थानांतरण है, ठीक है, यानी कि लर्निंग ट्रांसफ़र है, उसकी इनमें बहुत अच्छी क्षमता होती है। लर्निंग ट्रांसफ़र या अधिगम स्थानांतरण का मतलब होता है कि एक जगह सीखी हुई चीज़ को किसी दूसरी जगह अप्लाई करना, ठीक है, यानी कि जैसे कि कोई व्यक्ति है, उसने कुछ भी एक फॉर्मूला सीखा या याद किया या कोई एक क्वेश्चन लगाना वो सीख गया, ठीक, उस क्वेश्चन के आधार पर या उस क्वेश्चन को उसने लगाना सीखा और उसी के आधार पर उसने उससे मिलते जुलते दूसरे प्रकार के क्वेश्चन को भी लगाना सीख लिया, ठीक है। जैसे इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि कोई व्यक्ति जो साइकिल चलाना जानता है वो क्या करता है, धीरे धीरे मोटरसाइकिल चलाना भी जान जाता है, यानी कि साइकिल चलाने का जो ज्ञान था वो कहीं ना कहीं उसने मोटरसाइकिल चलाने में भी यूज़ कर लिया। तो इनमें अधिगम स्थानांतरण की क्षमता बहुत अधिक होती है, आपने एक चीज़ उन्हें बताई समझाई और उस चीज़ को वो इतने अच्छे से समझ लेते हैं कि उसका उपयोग वो दूसरी जगह दूसरी परिस्थिति में भी कर लेते हैं। फिर जैसे कि मैंने एक विशेषता भी बताई थी कि उनकी विद्यालय में उपलब्धि बहुत अच्छी होती है, यानी बहुत अच्छे अचीवमेंट्स होते हैं, उनका एकेडमिक स्कोर बहुत अच्छा होता है, क्लास में फर्स्ट आते हैं, खेल कूद में टॉप करते हैं, क्रिएटिव होते हैं और अलग अलग जो एक्टिविटीज़ होती है उनमें पार्टिसिपेट करना पसंद करते हैं, ठीक है, या कोई कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें जीतते हैं, तो इस तरह की इनकी जो भी उपलब्धियाँ हैं, जो अचीवमेंट्स हैं वो भी हाई होती हैं। इसके अलावा जो को करिकुलर एक्टिविटी होती है, यानी पढ़ाई के साथ साथ जैसे खेल कूद है, संगीत है, कोई एग्जीबिशन लगाना है, इस तरह की जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ होती हैं उसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और उसमें भी इन्हें इंटरेस्ट होता है, ठीक है। सामान्य यानी जनरल नॉलेज की चीज़ों में इंटरेस्ट होता है, जैसे कि वाद विवाद करना और चीज़ों के बारे में जानकारी रखना, कहाँ कैसा क्या हो रहा है, तो जीके में भी इनका काफ़ी इंटरेस्ट होता है। इसके अलावा इनकी जो बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि आईक्यू होता है, वो भी हाई होता है, इसके बारे में पढ़ा है। जो तर्क शक्ति होती है वो भी हाई होता है, जैसे क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहा है, उसने कोई एक चीज़ बताई है, ठीक, तो ये क्या करते हैं, उस क्वेश्चन पे या उस बात पे या उस टॉपिक पे तर्क करते हैं कि ऐसा क्यों है, ऐसा नहीं होता तो ऐसा क्यों होता है, इस तरह के जो क्वेश्चन है, जो तर्क करने की क्षमता है, ठीक, तो इनकी जो लॉजिकल थिंकिंग है वो बहुत अच्छी होती है। इसके अलावा जो प्रश्न करने की जो इनकी एक हैबिट होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, ये जानने को उत्सुक रहते हैं चीज़ों को कि ऐसा क्यों होता है, किस लिए होता है, तो ये सारी चीज़ें भी इनमें होती हैं। इसके अलावा इन्हें कठिन कार्यों में रुचि होती है, यानी कि आप अगर सामान्य कार्य देते रहेंगे सामान्य एवरेज बच्चों के लेवल का, तो ये बोरियत फील करने लग जाते हैं, इन्हें लगता है कि और ज़्यादा अच्छा क्वेश्चन मिले करने के लिए, और ज़्यादा अच्छी चीज़ें मिले करने के लिए, ठीक है।
और भी कई सारी इनमें जो है रुचियां होती हैं, और जो प्रतिभाशाली हैं, जो होशियार हैं, जो इतने क्रिएटिव हैं, जिनके अचीवमेंट्स अच्छी हैं, तो जाहिर सी बात है जो उनकी सोच होती है, जो उनके थॉट्स होते हैं, वो भी बहुत पॉजिटिव होते हैं, यानी कि सकारात्मक होते हैं। इसके अलावा इनमें लीडरशिप क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, क्योंकि आप जाहिर सी बात है पढ़ाई में होशियार हो, को करिकुलर एक्टिविटीज़ में होशियार हो, बहुत क्रिएटिव हो, तो जाहिर सी बात है कि लीडरशिप की क्वालिटी भी होती है, यानी सबको वो मैनेज कर सकते हैं। कोई अगर काम हो ऐसा ग्रुप वाला और इन्हें लीडर बना दिया जाए, तो ये बहुत अच्छे से बच्चों को समझ करके काम को डिवाइड कर सकते हैं और किसी भी काम को, किसी प्रोजेक्ट को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर सकते हैं। तो इनमें लीडरशिप की जो क्वालिटी होती है, जो इनका नेतृत्व का जो कौशल होता है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा होता है। और इसके अलावा ये साथ ही साथ जो प्रतिभाशाली बालक होते हैं, इनको हमेशा कुछ नए सीखने की उत्सुकता रहती है, बहुत एक्साइटेड रहते हैं। जैसे क्लास में कोई एक नई चीज़ एकदम बताई जाने लगी, तो इनको बहुत एक्साइटमेंट होती है। ये सामान्य बच्चों की तरह ये फील नहीं करते कि अरे फिर से एक चीज़ पढ़नी पड़े, क्योंकि इनका इंटरेस्ट होता है पढ़ाई में, पढ़ने में, ठीक है, या अदर क्रिएटिविटी में। तो ये सीखने के लिए बहुत उत्सुक रहते हैं और चीज़ों को बहुत जल्दी सीख भी लेते हैं, ठीक है। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई प्रतिभाशाली बालक की। नेक्स्ट वीडियो में मन बुद्धि बालक के बारे में जो है आगे पढ़ेंगे कि मन बुद्धि बालक की क्या विशेषताएं होती हैं, और इन जितने भी ये स्पेशल चिल्ड्रेन हैं, यानी कि विशिष्ट बालक हैं, उनको मैं हर प्रकार का विशिष्ट बालक जितने हमने पढ़े हैं उनके बारे में थोड़ा डिटेल में इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मोस्टली यहीं से निकल कर के आते हैं, ठीक है। अब अगर आपको KVS, PRT और TGT या फिर सुपरटेट, UP सुपरटेट की पढ़ाई में या किसी भी सिलेबस के किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और एक एक करके सारे टॉपिक कंप्लीट करते चलेंगे। अभी मैंने पेडागॉजी का टॉपिक उठाया है, पेडागॉजी को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं, और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके जब तक आपका कोई नोटिफिकेशन नहीं आ रहा है, चीज़ों को अच्छे से समझ करके अच्छे से कंप्लीट करेंगे सारे टॉपिक को, ठीक है। ये एक सुनहरा अवसर है, इसे अपने हाथ से बिल्कुल मत जाने दीजिए, पढ़ाई में लगे रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।